दोस्तों पबजी 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 दोस्तों पबजी गेम का क्रेज आजकल लोगों में इस कदर छाया है कि हर कोई इंसान पर्सनल काम को छोड़कर समय निकालकर पबजी खेलना पसंद करता है। जी हाँ, बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो या फिर नॉर्मल कोई भी इंसान हो, पबजी हर एक को पसंद है। तो ऐसा क्रेज बन चुका है पबजी गेम का। जी हाँ, तो दोस्तों जानते हैं पबजी क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पबजी के बारे में ऐसे 30 अमेजिंग फैक्ट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। जी हाँ, ऐसी रोचक बातें जो आप पबजी के बारे में नहीं जानते। सिर्फ आपको ये पता है कि पबजी को कैसे खेलना होता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे ये बना है और इसकी इनकम कितनी होती है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है गाइज। अगर आप भी पबजी लवर है तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पबजी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर खेले जाने वाला गेम है। इस गेम के अंदर एक बार में 100 लोग पैराशूट से एक द्वीप पर उतरकर कई प्रकार के हथियारों को स्वयं ढूंढकर एक दूसरे को मारते हैं और जो लास्ट में बच जाता है वो विनर होता है इस गेम का। तो इस तरह का कुछ इसका कॉन्सेप्ट है। साथ ही अगर जो लोग एक दूसरे के द्वारा नहीं मारे जाते हैं, इसके अंदर एक ब्लू जोन करके एक गोला होता है, उससे बचना होता है। अगर आप उसके अंदर आ जाते हैं तो आपकी स्वयं ही मौत हो जाती है। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है इस गेम का। तो फ्रेंड्स, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि ये इसका बेसिक है और आप लोग खेलते हैं तो आपको जरूर पता होगा। लेकिन इसके पीछे के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप लोगों को पता है पबजी गेम को किसने बनाया है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, पबजी गेम को आयरलैंड के एक व्यक्ति ब्रेंडन ग्रीन ने बनाया है और इसे 23 मार्च 2017 को रिलीज करा था। फैक्ट नंबर 2, पबजी गेम को बनाने में 70 गेम डेवलपर और शुरुआत में इसे बनाने में लगभग एक साल का टाइम लगा था। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको 70 लोगों ने मिलकर बनाया था और साथ ही एक साल के अंदर ये गेम बना था। है ना गजब की बात। तो आप लोगों को ये पहले पता था? नहीं पता था ना, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स पबजी ने लोगों का दिल जरूर जीता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे अवार्ड्स भी जीते हैं जो वास्तव में पबजी डिजर्व करता है। मतलब जो इसकी सक्सेसफुल इनिंग रही है अभी तक की, तो बहुत ही कामयाब गेम रहा है अभी तक का, तो उसी के चलते उसको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, पबजी गेम ने बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, पीसी गेम ऑफ द ईयर, एक्शन गेम ऑफ द ईयर, एस्पोर्ट गेम ऑफ द ईयर, ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर पुरस्कारों से नवाजा गया है। जी हाँ, और ये डिजर्व भी करता है। तो इतना बड़ा गेम होने के साथ इतने सारे पुरस्कार भी इसको मिले हैं। फैक्ट नंबर 4, ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया के अंदर क्या आपको पता है पबजी के अंदर एक समय में एक साथ 100 लोग एक प्लेयर एक पारी में खेलते हैं। तो पबजी के पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें एक दिन में 1.34 मिलियन लोगों ने एक ही साथ एक पारी के अंदर गेम खेला था और ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और अभी तक का ये रिकॉर्ड पबजी के पास ही है और बहुत ही अमेजिंग है, सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो है ना गजब की बात। चलिए हमारे अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, आप और हम लोग पबजी गेम तो खेलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार आखिर पबजी की कमाई कैसे है और ये कितने रुपए कमा लेता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पबजी की कमाई बहुत ही गजब तरीके से होती है और बहुत ही बड़ी कमाई है। ऐसे नहीं कि हल्की फुल्की कमाई करता है, बहुत ही बड़ी कमाई है और बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन कमाई के बारे में हम आगे बात करेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं, पबजी गेम रिलीज होने के 3 दिन के अंदर 70 करोड़ रुपए कमा लिए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, रिलीज होने के 3 दिनों में 70 करोड़ रुपए की अर्निंग पबजी ने कर ली थी, जो कि बहुत ही बड़ी अर्निंग है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप लोग जानते हैं पबजी गेम को जिसने डेवलप किया है, वो गेम डेवलपिंग सीखने से पहले ब्राजील में एक फोटोग्राफर हुआ करते थे जिनका नाम ब्रेंडन ग्रीन है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये ब्राजील के अंदर एक फोटोग्राफर हुआ करते थे, साथ ही वेबसाइट डेवलपमेंट का काम किया करते थे। उसके बाद इन्होंने गेम डेवलपिंग सीखा और उसके बाद इन्होंने पबजी को डेवलप किया और जो कि तबाही मचा रहा है। वाव, इनके लिए तालियां तो बनती है। फैक्ट नंबर 7, हर चीज को बनाने का कोई ना कोई आइडिया जरूर होता है, उसके पीछे एक कहानी जरूर होती है। तो आपको पता है पबजी गेम को बनाने का आइडिया कहाँ से लिया गया है? दरअसल ये आइडिया जापान की एक फिल्म जिसका नाम बैटल रॉयल है, उस मूवी से इंस्पायर होकर पबजी का आइडिया लिया गया और उस फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी वो पूरी पबजी में कॉपी कर ली गई। जो फिल्म की कहानी थी उसी तरह से पबजी को बनाया गया। उस मूवी में दिखाया गया था कि 100 स्टूडेंट हेलीकॉप्टर से एक खुफिया जगह पर उतरते हैं, उनकी आपस में लड़ाई करवाते हैं और जो लास्ट में बच जाता है उसे विनर माना जाता है। तो ऐसा ही आइडिया पबजी में कॉपी किया गया और ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप लोग जानते हैं शुरुआत में क्लासिक गेम में पबजी प्लेयर्स को वेयर हाउस से छोड़ा जाता था, लेकिन बाद में एक पबजी प्लेयर ने सजेशन दिया कि उन्हें हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाए, तो उसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से उतारा जाता है। जब गेम शुरू होता है तो आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली गजब की बात है, मतलब पबजी अपने प्लेयर्स की भी राय लेता है। वाओ। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों पबजी इतना बड़ा गेम है और इसे पूरी दुनिया में खेला जाता है, तो इतने सारे लोग इसे खेलते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, ये बात सुनकर आपको बहुत ज्यादा शॉक लगेगा, लेकिन पबजी गेम जहाँ से ऑपरेट होता है वहाँ पे सिर्फ 150 गेम डेवलपर्स ही है जो कि गेम को हैंडल करते हैं। जी हाँ,
150 लोग हैंडल करते हैं पबजी पूरे को। वाव। फैक्ट नंबर 10, ये जो फैक्ट है ये पबजी की रेवेन्यू से रिलेटेड है, जो कि पबजी ने लॉन्च होते ही एक साल के अंदर कितना पैसा कमाया सोच सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको बता दूं बिना कोई सस्पेंस क्रिएट किए, पबजी गेम ने लॉन्च होते ही एक साल के अंदर लगभग 8652 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। जी हाँ, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ा। फैक्ट नंबर 11, पबजी गेम के अंदर एक इरेंगल मैप होता है। जी हाँ फ्रेंड, जब आप लोग खेलते हैं तो आपको एक मैप दिखाई देता है, उसी के दौरान जब आप गेम को फॉलो करते हैं तो वो मैप को आपको देखना पड़ता है। तो आप लोग जानते हैं कि उस मैप का नाम इरेंगल किस हिसाब से रखा गया? दरअसल ब्रैंडन ग्रीन जो कि गेम के डेवलपर है, जिन्होंने इस गेम को बनाया है, उनकी बेटी का नाम इरेंगल है, जो कि उसके हिसाब से इस गेम के मैप का नाम रखा गया। ऑसम। फैक्ट नंबर 12, जब आप लोग गेम खेलते हैं और बहुत सारे गेम खेलने के बाद कोई एक गेम आप लोग जीत जाते हैं, और जब आप लोग जीतते हो तो उसके दौरान आपके बहुत सारे क्रैकर्स लगते हैं और बहुत ज्यादा एकदम मजा आता है, क्योंकि आपने उस गेम के अंदर चिकन डिनर कर लिया होता है। जब आप गेम को विन करते हैं तब आपको एक टैगलाइन देखने को मिलती है कि विनर विनर चिकन डिनर। तो आप लोगों को आइडिया है कि ये टैगलाइन आखिर कहां से डेवलप हुई, ये आइडिया कहां से आया? विनर भी कह सकते थे या फिर कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन विनर विनर चिकन डिनर का मतलब क्या है? दरअसल ये आइडिया जहां से डेवलप हुआ वहां की एक छोटी सी कहानी है। यूरोप देशों में जब भी किसी गेम में पैसे लगाए जाते हैं और वहां पे जब इनाम जीतते हैं तो जीते गए पैसों से चिकन डिनर किया जाता है। जो बंदा कैसीनो में पैसे लगाता है और वहां से वो पैसे जीतता है तो अपने फ्रेंड्स को चिकन डिनर करवाता है। तो वहां पे जब वो जीतता है तो फ्रेंड्स हुटिंग करते हैं विनर विनर चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर। वाह, गजब। फैक्ट नंबर 13, आप लोगों ने सिर्फ पबजी को पबजी ही सुना है, लेकिन आपको पता है इसका पूरा नाम क्या है? इस गेम का पूरा नाम प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड है। जी हाँ फ्रेंड्स, पर क्या आप लोग जानते हैं अननोन बैटल ग्राउंड वर्ड का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इस गेम में जो लोग खेलते हैं एक दूसरे के साथ वो सभी एक दूसरे के लिए अनजान होते हैं। आप लोग खेल रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता तो आप मेरे लिए अननोन हुए, तो इसी प्रकार से अननोन बैटल ग्राउंड हो गया ना। तो भाई जब एक दूसरे को नहीं जानते तो फिर मारते क्यों है? खैर चलिए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 14, फ्रेंड्स पबजी गेम इतना हैवी है कि उसे खेलने के लिए ज्यादा आपको बड़ा फोन चाहिए या फिर बड़ी रैम वाला फोन चाहिए या फिर आप पीसी में खेल सकते हैं। तो गेमिंग पीसी वगैरह आपके साथ अगर नहीं है फिर भी आप चाहते हैं कि मैं पबजी खेलूं, तो पबजी ने एक बहुत ही बड़ा रैम किया है छोटे स्मार्टफोन्स यूजर के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, पबजी ने उनको पबजी लाइट ऐप दिया है, जिसके अंदर अगर आपके फोन के अंदर 2GB रैम है या फिर कम स्पेस है आपके फोन के अंदर, फिर भी आप लोग पबजी लाइट गेम खेल सकते हैं जिसमें आपको वैसा ही फील मिलेगा। फैक्ट नंबर 15, ब्रैंडन ग्रीन जो कि इस गेम के डेवलपर है, फिर से मैं उनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। पबजी गेम से पहले उन्होंने आर्मा 3 और किंग ऑफ द हिल जैसे बैटल रॉयल गेम को डिजाइन किया है, उसके बाद उन्होंने पबजी को डेवलप किया। तो ऑलरेडी वो बहुत सारे गेम बना चुके हैं, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम्स रह चुके हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पबजी के बारे में आपको 15 फैक्ट बताए हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है और आई थिंक आप लोगों को सुनने में मजा आया होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग चाहते हैं पबजी के बारे में और ज्यादा अच्छे अमेजिंग फैक्ट्स सुनना तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे जरूर बताएं, और मेरे पास अच्छे अमेजिंग फैक्ट्स है पबजी से रिलेटेड, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, टेक केयर, जय हिंद।